ये सरकार माहौल जबरदस्त शानदार आइए बच्चों सर मेगा एग्जीबिशन लिस्ट के बचे हुए पॉइंट भी हम कवर कर लेते हैं आइए बच्चों आई होप यहां तक जो मैंने पढ़ाया है वो आपने आपके एंड पे रिवीजन किया है माहौल के साथ आइए बच्चों अगला सेक्टर है क्या बैंकिंग रिलेटेड सर्विसेज फर्स्ट सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय आरबीआई टैक्सेबल कर दिया है एग्जीबिशन विद्रॉ कर दिया है आरबीआई ने कोई भी सर्विस दी है कोई भी चार्ज लिया टैक्स लग जाएगा सर सेम वे आरबीआई ने कोई सर्विस रिसीव करी है वो भी टैक्सेबल है टैक्स लगेगा पहले एक सर्विस एग्जाम हुआ करती थी अब उससे मतलब नहीं है आप ध्यान रखिएगा अगर आपने किसी को लोन दिया क्या आपने कभी किसी को लोन दिया है सर मैंने भी दिया सर लोन दिया डिपॉजिट्स दिए एडवांस दिए इन सो फार कंसिडरेशन इज बाय इन बाय ऑफ इंटरेस्ट और डिस्काउंट तो जीएसटी बेटा बिल्स ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंट करा डिस्काउंटिंग चार्ज पर जीएसटी इंटरेस्ट चार्ज किया जीएसटी पर प्रोसेसिंग फीस चार्ज किया डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस चार्ज चार्ज किए किए इंस्पेक्शन चार्जेस बैंक ने ब्ला 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 चार्ज चार्जेस किए सब ब्लाबल है और हां ना क्रेडिट कार्ड अगर आपने लिया है और उसका पेमेंट देने में अगर आप ओवरड्यू कर गए तो लग गया बेटा हैवी इंटरेस्ट रखता है तो गवर्नमेंट बोला क्या वो एक्चुअली इंटरेस्ट इंटरेस्ट नहीं है इंटरेस्ट पे हैवी चार्जेस है इसलिए तुम भी लूटो हम भी लूटे और ऐसे केस, में गवर्नमेंट ने बोल दिया अदर देन द इंटरेस्ट इन्वॉल्व इन क्रेडिट कार्ड सर्विसेज और क्रेडिट कार्ड वाली सर्विसेज में जो इंटरेस्ट लगता है उस उसमें जीएसटी लगता है क्लियर डन फिर पॉइंट भी बोलता है इसका क्या एक बैंक ने दूसरे बैंक को या एक मनी चेंजर फॉरेन एक्सचेंज ब्रोकर ने इन्होंने आपस में ट्रांजेक्शन किया बैंक और फॉरेन एक्सचेंज ब्रोकर वगैरह तो ने आपस में ट्रांजेक्शन कौन से कन्वर्जन ऑफ फॉरेन करेंसी उसके जो कमीशन चार्ज किया होगा उस जीएसटी नहीं लगेगा अगर दो बैंक ने दो मनी चेंजर ने या एक बैंक और एक मनी चेंजर ने आपस में फॉरेन करन, करेंसी कन्वर्जन के ट्रांजेक्शन किए तो जो कमीशन चार्ज किया जीएसटी नहीं लगेगा आइए बच्चों सर क्रेडिट कार्ड के बारे में बात मैं आपसे ऑलरेडी कर चुका हूं बच्चों सर अब बताते हैं क्या मान लो आपने सर मेरा एक दुकान है मेरा एक शोरूम है सर वहां से आपने ई पे आप कोई मोबाइल परचेज किया है बेटा क्लियर अब दुकान वाले ने ही आपको अगर ई का ऑप्शन दिया होता और वो दुकान वाले ने ही आपको इंस्टॉलमेंट में से आपको पेमेंट अलाउ किया होता और उसने ओवर एंड अबाउट द प्राइस आपसे इंटरेस्ट चार्ज किया है और अगर आप लेट हो गए तो पीले इंटरेस्ट भी चार्ज किया अगर ई एम आई पे कर लेट हो गए तो ये सब वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनेगा क्योंकि अगर सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ अगर कभी भी ओवर एंड अबाउट द प्राइस इंटरेस्ट चार्ज करता है फॉर डिलेट पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन तो ऐसे केस में हमेशा इंटरेस्ट वैल्यू का पार्ट बनता है पर यही अगर आपने सर परचेज किया तो मोबाइल पर उसका फाइनेंस किया था किसने आईसीआईसीआई बैंक ने या बजाज फाइनेंस ने बेटा तो शोरूम वाले को तो पेमेंट आईसीआईसीआई बैंक ने या बजाज फाइनेंस ने उसी टाइम कर दिया बेटा अब आपने लोन लिया एक तरह से किससे बैंक से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जो आप इंटरेस्ट पे करोगे जीएसटी नहीं लगेगा प्लस अगर लोन का ई एम आई पे लेट हो गए उसने पिनल इंटरेस्ट चार्ज कर दिया तो पिनल इंटरेस्ट भी क्या होता है इंटरेस्ट ही होता है उस पर भी जी एस टी नहीं लगेगा हाँ है ना भाई डन सर दैनना सिक्योरिटीज का ट्रांजेक्शन हो गया फॉर सर आपका शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट हो गया बेटा कमर्शियल पेपर्स सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स सर ये सब क्या है

सर्विसेज प्रोवाइड बाय बैंकिंग कंपनी टू बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट होल्डर्स अंडर प्रधानमंत्री जनधन योजना तो सर जो बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट होल्डर्स है उनसे बैंक वालों ने कोई चार्ज लिया सर्विस चार्ज लिया जीएसटी नहीं लगेगा फिर सर अगर आपने कभी शॉपिंग किया और पेमेंट जो किया वो कार्ड से किया बेटा तो जिसका शोरूम है उसके पास जिसकी मशीन है पोस्ट मशीन बेटा वो पोस्ट मशीन उसको मान लो आईसीसी बैंक ने दी बेटा हाँ ना बेटा तो उसका अकाउंट हो गया आईसी बैंक में बेटा अब मैंने जब शॉपिंग करी वहां से मेरे पास कार्ड था किसका एच बैंक का बेटा तो एच बैंक का मैंने कार्ड स्वेप किया कहा उस शोरूम पे जिसके पास मशीन थी आईसी बैंक की बेटा तो आईसीसी बैंक को बोलते हैं एक्वायरिंग बैंक अब आईसी बैंक ने क्या किया होगा उस शोरूम वाले से कुछ कमीशन लिया होगा जिसको बोलते हैं मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज उसके चार्ज पे जीएसटी लगता है पर अगर वो शॉपिंग का अमाउंट अप टू रुपीज टू कितना बेटा अप टू रुपीज

मान लो मैंने अपना एक इंटरमीडिएट को तो लगेगा अगर रूरल एरिया से रिलेटेड सर्विस थी तो बच्चा हा है ना भाई और बिजनेस फैसिलिटेटर या बिजनेसेंट ने फीस चार्ज किया किसे कमीशन चार्ज किया किसे बैंक से फॉर इट्स रूरल एरिया ब्रांच तो रूरल एरिया ब्रांच के लिए चार्ज किया उस पर जीएसटी नहीं लगेगा सेम वे

इसके लिए, इनके लिए जो आपने प्रीमियम पे किया होगा उस प्रीमियम पे जीएसटी नहीं लगेगा क्लियर अब इसमें कौन कौन से इंश्योरेंस स्कीम्स कवर है बेटा फर्स्ट इंश्योरेंस स्कीम हट में कौन रहता है गरीब आदमी बेटा झोपड़ी में रहता है बेटा उसने अपनी हट का इंश्योरेंस कराया पहली बात तो वो इंश्योरेंस करा रहा है प्रीमियम पे कर रहा है और उसमें जीएसटी जीएसटी है बेटा सेम वे कैटल इंश्योरेंस अंडर स्वर्ण स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना अल इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम बेटा हाँ है ना भाई अगेन सर इस सेक्टर को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट क्या प्रीमियम पे जीएसटी एक्स्यूम किया यही फंड आया बेटा देन अब के लिए नाम पड़े सर रटने की जरूरत नहीं बच्चा स्कीम फॉर इंश्योरेंस ऑफ ट्राइबल्स देन जनता पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी एंड ग्रामीण एक्सीडेंट पॉलिसी ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड वुमन एग्रीकल्चरल पंप सेट एंड फेल्ड वेल इंश्योरेंस बेटा कुआ खुदवाया पानी नहीं निकला बेटा कोई बात नहीं इंश्योरेंस करा दो उसका जो नुकसान होगा हम पे करेंगे प्रीमियम पे जीएसटी नहीं है देन प्रीमियम कलेक्टेड ऑन एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस देन रीस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम अप्रूव बाय दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इंप्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर जीएसटी नहीं लगेगा जन आरोग्य बीमा पॉलिसी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पायलट स्कीम ऑन सीड क्रॉप इंश्योरेंस सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑन कैटल इंश्योरेंस यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना कोकोनट फार्म इंश्योरेंस स्कीम प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना निर्मया हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम इंप्लीमेंटेड बाय द ट्रस्ट विच इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द प्रोविजंस ऑफ नेशनल ट्रस्ट फॉर वेलफेयर ऑफ पर्सन विद ऑटिज्म पॉलिसी मेंटल डिटाड्रेशन एंड मल्टीपल डिसबिलिटीज एक्ट 1999 तो इन लोगों के लिए अलग से जो निर्मया हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है जीएसटी नहीं लगेगा प्रीमियम के अमाउंट पे एंड लास्ट वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने खरीफ की सीजन में जो फसल होती है बेटा प्रोड्यूस उसका इंश्योरेंस कराया बंगला शस्थ बीमा उसके लिए प्रीमियम पे जीएसटी नहीं लगेगा क्लियर तो ये सब वो जनरल इंश्योरेंस पॉलिसीज़ है जिनको प्रमोट करने के लिए, इनके के, कर दिया। सर, अब आपको के लिए सारे नाम रटने की जरूरत नहीं बच्चों पढ़नी है एग्जाम में क्लिक करेगा हाँ, कवर था, था बच्चा जैसे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना कोकोनट फार्म इंश्योरेंस स्कीम ये फायर इंश्योरेंस नहीं यार ये तो कहीं नहीं सुना तो लगेगा टैक्स ऐसे हाँ क्लिक करेगा एग्जाम में सेम वे लाइफ फॉलोइंग स्कीम्स फर्स्ट जनरश्री बीमा योजना आम आदमी बीमा योजना लाइफ माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट एज अप्रूव बाय आई आर डी है दो लाख का लाइफ इंश्योरेंस कवरेज है बच्चा आदमी तो दो लाख रुपए तक का उसको कवरेज है बेटा उसका सम इंश्योर्ड तो इसके लिए जो प्रीमियम पे किया होगा उसमें जीएसटी नहीं लगेगा देन वरिष्ठ पेंशन प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना प्रधानमंत्री जनधन योजना प्रधानमंत्री वंदन योजना इन सब के थ्रू आपने इंश्योरेंस कराया प्रीमियम पे किया जीएसटी नहीं लगेगा क्लियर सेम वे आइए बच्चों सर ऐसा कोई इंश्योरेंस स्कीम जिसका सारा का सारा प्रीमियम अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी ने बोन किया है तो ऐसे प्रीमियम पर जीएसटी बेटा सेम वे जो हमने ऊपर के तीन पॉइंट पढ़े बेटा अब तक इंश्योरेंस में इन सारी इंश्योरेंस में अगर आपने री इंश्योरेंस का काम किया है तो उसके लिए जो प्रीमियम चार्ज किया जीएसटी नहीं लगेगा देन सर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी एक्स प्रधानमंत्री जी अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर अटल पेंशन योजना में अगर आपने कॉन्ट्रीब्यूशन किया तो जीएसटी नहीं लगेगा देन सर आपने कॉन्ट्रीब्यूशन किया किसमें एनी पेंशन स्कीम ऑफ दिन जीएसटी नहीं लगेगा बेटा तो जीएसटी नहीं लगेगा एयरफोर्स ग्रुप का जो ग्रुप इंश्योरेंस होता है उसके लिए प्रीमियम पे किया जीएसटी नहीं लगेगा सेम वे कोस्ट गार्ड के सर लाइफ इंश्योरेंस के लिए नेवल ग्रुप इंश्योरेंस फंड से जो पैसा दिया इंश्योरेंस के लिए लाइफ इंश्योरेंस अगेन जीएसटी नहीं लगेगा देन सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के लिए सर लाइफ इंश्योरेंस कराया उसके लिए प्रीमियम पे किया जीएसटी नहीं लगेगा देन अगर आपने ईएसएससी का कॉन्ट्रीब्यूशन किया है जीएसटी नहीं लगेगा सर धन देन देना बच्चो आई जो एक गवर्निंग बॉडी है इंश्योरेंस कंपनीज की उन्होंने अगर इंश्योरेंस कंपनीज ने आईआरडी को कोई गवर्निंग फी पे किया टैक्स लग जाएगा एग्जीशन विद्रॉ हो गया बेटा सर देन हम ऑलरेडी पॉइंट पढ़ चुके क्या इंश्योरेंस कंपनी क्या आप रूरल एरिया के अंदर कहां पर रूरल एरिया में बिजनेस बिजनेस फैसिलिटेटर या हो फीस चार्ज कोई जीएसटी नहीं लगेगा आइए बच्चों ये इंश्योरेंस वाले सारे पॉइंट खत्म होते हैं अब बहुत सिंपल पॉइंट थे कोई खास नहीं अब कुछ मिस्लिनियस सर्विसेज बची है बच्चों जिन पे जीएसटी क्या किया है एग्जी क्या है देखना ध्यान से बच्चों सबसे पहली बात अगर बिजनेस एज अ होल किसी को ट्रांसफर किया सर एक्स वाई जेड प्राइवेट लिमिटेड को टेक ओवर कर लिया किसने एबीसी प्राइवेट लिमिटेड ने तो सर सर्विसेज बाय वे ऑफ ऑफ ट्रांसफर अ गोइंग कंसर्न एज होल और एन इंडिपेंडेंट पार्ट देर ऑफ मिस्टर ए की फैक्ट्री मिस्टर ए का बिजनेस टेक ओवर कर लिया मिस्टर बी ने सर जीएसटी नहीं लगेगा बच्चों क्लियर सर्विसेज बाय वे ऑफ ऑफ ट्रांसफर अ गोइंग कंसर्न एज अ होल नो जीएसटी विल बी चार्ज आइए बच्चों पॉइंट नंबर टू लॉयर एडवोकेट्स बच्चो इस पॉइंट को मैं समझाता हूं ध्यान देना मेरी तरफ बच्चा मान लो अच्छा ध्यान मेरी तरफ एक मिनट पॉज भी करना सब ओके okay, अब ध्यान पूरा मेरी तरफ बच्चो सर यस सर एडवोकेट्स लॉयर्स सर ऑल दी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द एडवोकेट्स और फॉर्म ऑफ एडवोकेट्स इंक्लूडिंग सीनियर एडवोकेट्स आर एग्जम फ्रॉम जीएसटी केवल एक केस में टैक्स लगेगा कब अगर सर्विस इज अ बिजनेस एंटिटी जिसका फाइनेंशियल ईयर में एग्रीगेट मोर देन लिमिट ऑफ रजिस्ट्रेशन बेटा रजिस्ट्रेशन का लिमिट लो दस लाख कुछ स्टेट में कुछ जगह बीस है और कुछ जगह फोर्टी भी बेटा तो जितना आपका थ्रेशल लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन है उससे कम टर्न था प्रीवियस ईयर में और ऐसे किसी बिजनेस एंटिटी ने सर्विस ली तो टैक्स एक्सिमिट बेटा पर अगर टर्न ओवर वो मोर देन द थ्रेशल लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन In the year, लगेगा और वो भी आर सी एम में लगेगा और रिवर्स चार्ज मैके गवर्नमेंट डायरेक्टली बेटा सो इन केस ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड बाई एडवोकेट्स फॉर्म ऑफ एडवोकेट्स या आरबी या सर सीनियर एडवोकेट सारे केस में पॉइंट यही है कि सारे केस में टैक्स एक्समट है

अगर सर सर्विसेज दी किसको ऐसे किसी बिजनेस एंटिटी को जिसका प्रेसिडेंट फाइनेंशियल एग्रीगेट इज मोर देन लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन तो टैक्स लगेगा और और वो भी लगेगा टैक्स पे करेगा टू तो गवर्नमेंट डायरेक्टली बेटा क्लियर प्लस सर इन सब के लिए भले एडवोकेट हो फॉर्म ऑफ एडवोकेट हो या आर्बिटल ट्रिब्यूनल उनके लिए कॉमन पॉइंट बेटा क्या इन्होंने अगर सर्विसेज दी किसको सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरी लोकल अथॉरिटी गवर्नमेंटल अथॉरिटी या गवर्नमेंट एंटिटी को

तो मान लो आपके पास रिलायंस का केस है बेटा आप वो नॉर्मल एडवोकेट अब केस ऐसे मोड पे आ गया आपसे समझ नहीं रहा आपने किसी सीनियर एडवोकेट को कॉन्टेक्ट किया अच्छा सीनियर एडवोकेट कौन होता है बेटा जिसको रिकोगनाइज किया है हाई कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने एज अ सीनियर एडवोकेट एक तरह से उपाधि दी उसको बेटा उसकी टैलेंट को देखते हुए सर तो आपने फाइल रेफर करी किसको सीनियर एडवोकेट को अब सीनियर एडवोकेट ने बिल भले वो रिलायंस को डायरेक्ट इश्यू कर दिया हो या आपको इश्यू किया हमेशा रेसिपिट माना जाएगा कौन वो रिलायंस जिस बिजनेस एंटिटी का मैं केस रिप्रेजेंट कर रहा हूं वो रेसिडेंट है और हमेशा रिवर्स आज में उसको टैक्स पे करना है बच्चा हाँ ना भाई डन ये आपका एडवोकेट वाला पॉइंट पूरा खत्म होता है अब आई होप पॉइंट पूरा समझ में आया बच्चों क्लियर डन आइए बुक के अंदर देखिए बच्चा आपका <coughs> खत्म होता है अब सर आइए एक मिनट ये रखना इधर सर स्पाइडरमैन यदा है बेटा न्यूज पेपर में अरे ना भाई वो न्यूज देता था बेटा So, India, तो सर्विसेज बाय वे ऑफ कलेक्टिंग और प्रोवाइडिंग न्यूज बाय एन इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया जीएसटी नहीं लगेगा। Then, सर किसी में जाके आपने पढ़ाई करी है और वहां बैठ के पढ़ाई करने के पंद्रह सौ मान लो मंथली फीस रहता है तो टैक्स लगता है तो टैक्स किस पे एक्सम है लैंडिंग ऑफ बुक्स पे बेटा अगर लाइब्रेरी से आपने बुक लैंड पे लिए बुक के लिए रेंट पे किया जीएसटी बेटा उस पर सर्विसेज बाय पब्लिक लाइब्रेरी बाय वे ऑफ लैंडिंग ऑफ बुक्स पब्लिकेशंस और एनी अदर नॉलेज एनहांसिंग कंटेंट और मटेरियल उसके लैंडिंग फी पे जीएसटी नहीं लगता है वहां बैठ के पढ़ाई हो उसके उसने फीस किया टू जीएसटी वो एग्जाम नहीं है बेटा हाईना मालिक ठीक सर फिर सर्विसेज बाय एन ऑर्गेनाइजर टू एनी पर्सन इन रेस्पेक्ट ऑफ बिजनेस एग्जीबिशन हेल्ड आउटसाइड इंडिया बेटा कोई बिजनेस एक्जीबिशन आउट ऑफ इंडिया हो रहा है बेटा और वहां मैंने अपनी स्टॉल बुक कराई दुकान बेटा तो बिजनेस एग्जीबिशन को मैंने जो फीस पे किया है स्टॉल बुक जीएसटी क्या है है बेटा सर आइए सरकार अगला क्या है सर कोई भी क्लब की मेंबरशिप ही आपने पे करी जीएसटी लगता है बच्चा पर वो अन इनकॉर्पोरेट बॉडी और नॉन प्रॉफिट एंटिटी कौन है ट्रेड यूनियन बेटा कौन है बेटा

तो सोसाइटी इज नॉट लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन एट ऑल उसने रजिस्ट्रेशन कराया भी नहीं बेटा तो उसे कोई टैक्स पे करने की जरूरत भी नहीं है सर वो एक्सेंट रहेगा बेटा मोर देन हो बेटा क्यों अरे भाई सर्विस टैक्सेबल हो या हो अगर आप लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन नहीं हो लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो आपका टर्न ओवर अप टू रुपीज ट्वेंटी लेख है तो आपको टैक्स पे करने की जरूरत है ही नहीं सर पर यही अगर आपका टर्नोवर मोर देन ट्वेंटी लेख होता तो यू आर रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी अब अगर मेंबरशिप भी अगर हो सेवेंटी फाइव होती तो वो जीएसटी रहता है और मोर देन सेवन होगी तो एग्जाम नहीं होगा टैक्स पे करना पड़ेगा बच्चों तो ऑब्वियसली अगर आप लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन नहीं हो तो सर सर्विस टैक्स टैक्स पे करने की जरूरत नहीं होती बच्चा पर अगर आप लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन हो आपका टर्न लाख भी है और सर्विस अगर है तो एक्ज रहेगी सर्विस टैक्स होगी तो टैक्स लग जाएगा बच्चों ना भाई डन सर अगर मान लो सोसाइटी का मेंबरशिप फीस मोर देन रुपीज सेवेंटी हंड पर मेंबर बेटा टैक्स लगेगा बेटा अब सोसाइटी ने सर्विस देने के लिए किसी से इनवर्ट सप्लाई लिया बेटा सोसाइटी मेंटेनेंस के लिए सर सोसाइटी ने क्या किया लिफ्ट मेंटेनेंस की सर्विस ली कई सारे गुड्स खरीदे कई सारी सर्विस खरीदी क्या उसके लिए सोसाइटी आईटीसी के लिए एलिजिबल रहेगा बिल्कुल रहेगा बेटा क्योंकि आपको पता है क्या दस का क्रेडिट क्यों मिला अगर सोसाइटी के आउटवर्ड सप्लाई पर जीएसटी लग रहा है उसके लिए सोसाइटी ने अगर सप्लाई लिया तो इन्वर्ट सप्लाई पे पे जीएसटी उसका मिल जाएगा सर क्लियर अच्छा अब मेरे मान लो दो या मोर मान लो मेरे दो फ्लैट है, तो पर पर है, है, है मतलब पंद्रह हजार रुपए हो गए बेटा एक तरह से तो ऐसे केवेंटी फाइव हंड्रेड पर मंथ पर, पर बेटा तो जीएसटी एग्जाम बेटा तो आपको पर फ्लैट समझना है कि एक है बेटा ठीक है अच्छा अगर मोर देन 7500 है तो जैसे 9000 है तो बेटा पूरे 9000 पे टैक्स लगेगा बच्चा हाँ है ना भाई डन ये सर्कुलर भी खत्म होता है अब बहुत इजी था बच्चा आओ मालिक अब सर जिंदगी में हमारी मांगे पूरी करो तो सर इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर लेबर या फार्मर्स का अगर कोई एओपी बीओए बनाया है कोई क्लब बनाया है तो उसने कोई भी मेंबरशिप फी लिया कितना भी लिया जीएसटी एग्जम्प्ट बेटा प्लस इसके अलावा कोई भी एओपी बीवाई क्लब वगैरह जिसका पूरे साल का मेंबरशिप ही है कितना बेटा एक हजार रुपये पर मेंबर पर एनम पर ईयर बेटा ये पर मंथ नहीं है केवल एक हजार रुपए पर एनएम पर मेंबर अगर मेंबरशिप ही है तो वो सारे क्लब के मेंबरशिप जीएसटी एक्साम कर दिया भले कितनी फीस क्यों नहीं लो बेटा मतलब कितने ही मेंबर हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा बेटा एक हजार तक पर मंथ पर पर मेंबर पर एनम अगर फीस है तो जीएसटी नहीं लगेगा पढ़ो आपने एओपी बनाया क्यों? फॉर प्रमोशन ऑफ ट्रेड कॉमर्स इंडस्ट्री एग्रीकल्चर आर्ट साइंस लिटरेचर कल्चर स्पोर्ट्स एजुकेशन सोशल वेलफेयर चैरिटेबल एक्टिविटीज एंड प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट टू इट्स ओन मेंबर्स अगेंस्ट कंसिडरेशन इन फॉर्म ऑफ मेंबरशिप फी टू एन अमाउंट ऑफ रूपीज वन थाउजेंड रुपीज पर

सर आइए अगला पॉइंट बेटा सरकार और खास बात मेगा एग्जीबिशन का लास्ट पॉइंट मालिक सर मैं मल्टी सर्विसेज एसीजेड जो आपने सुना होगा गिफ्ट सिटी गुजरात गांधीनगर केवल एक ही भी इंडिया में ऐसा है जो मल्टी सर्विसेज एसीजेड है विथ आई एफ एस स्टेटस बेटा वहां पे मैं फाइनेंशियल सर्विसेज़ का इंटरमीडियरी बेटा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस देता हूं वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसमीडियट क्लाइंट अगर आउट ऑफ इंडिया के तो बेटा पढ़ो सर जो कमीशन चार्ज के उसमें जीएसटी नहीं लगे बच्चा पढ़ना सर्विसेज बाय एन इंटरमीडिएट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज लोकेटेड इन मल्टी सर्विसेज एस इजेड विथ टू कस्टमर लोकेटेड आउटसाइड इंडिया फॉर इंटरनेशनल फाइनेंशियल इन बेटा फॉरन करेंसी में काम कर रहा का है सर्विस काम कर रहा है तो इंटरमीडिएट जो क्लाइंट आउट ऑफ इंडिया के है, वो अगर मल्टी सर्विस ऐसी जो कमीशन चार्ज किया जो फीस उसने चार्ज किया जीएसटी नहीं लगेगा इसी के साथ पूरा मेगा एग्जीबिशन खत्म होता है अब हाँ पूरे मेगा में ध्यान रखना बेटा जितनी भी सर्विस क्लियर डन तो जो एग्जीबिशन पार्टनरशिप फॉर्म के लिए वो एल एल पी के लिए भी बच्चा ठीक है डन आइए बच्चों अब दो तीन सर्कुलर और बच्चे वो भी पढ़ लेते हैं इसी के साथ चैप्टर खत्म हो जाएगा बाद में हमारा मान लो मैं किसी टीवी आपने कई सारे न्यूज चैनल वगैरह देखे होंगे सर उस पर डिबेट के लिए सर कई सारे गेस्ट को बुलाया जाता है बच्चा दो गेस्ट एंकर वो एम्प्लॉय नहीं है उस चैनल के बेटा उन गेस्ट एंकर्स को एक फी एक ऑनरिम दिया जाता है बेटा क्योंकि वो वहां पे आए अपना टाइम स्पेंड किया बेटा तो जो ऑनरिम पे किया है टू तो द गेस्ट एंकर्स सर क्या ये कहीं एग्जिमट है सर हमने कहीं एग्जिम पढ़ा नहीं तो इट इज चार्जेबल टू जीएसटी किसी भी कवर नहीं मतलब टैक्सेबल बच्चा हाँ वो गेस्ट एंगर का खुद का टर्न ही बीस लाख या कम होता है बच्चा वो लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन नहीं होता उसकी वजह से सरकार बड़ा सुंदर बड़ा मस्त और शानदार सर्कुलर बच्चों ये जीएसटी ऑन लिक्विडेटेड डैमेजेस कंपनसेशन एंड पेनल्टी अराइजिंग आउट ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और अदर प्रोविजन ऑफ लॉ बेटा भाइयों हमने शेड्यूल टू पेरा नंबर फाइव क्लोज नंबर ई पढ़ा है बेटा उसमें पढ़ा था क्या एग्रिंग टू दी ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट टू टॉलरेट एन एक्ट और अ सिचुएशन और टू डू एन एक्ट ये सप्लाई ऑफ सर्विस है एस पर पेरा नंबर फाइव क्लोज नंबर ई ऑफ़ शेड्यूल टू ऑफ द सीजीएसटी एक्ट क्लियर

तो कुछ नहीं करने के पैसे मिल रहे इट इज ऑल्सो सप्लाई ऑफ सर्विस क्योंकि आपने एग्री किया फॉर ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट इज ए सप्लाई ऑफ सर्विस और उस पर जीएसटी लग जाएगा बेटा सेम वे एग्रींग टू दिगेशन टू टॉलरेट एन एक्ट और सिचुएशन सर आप क्या कर रहे हो बेटा सर टोलरेट कर रहे हो किसी एक्ट को या सिचुएशन को बच्चा हाँ ना उसके लिए फीस चार्ज किया वो भी जीएसटी लगेगा सप्लाई ऑफ सर्विस से बच्चा एग्जाम्पल मालिक मान लो कोई दुकान है शोरूम में बेटा उसके बाहर कोई चाय वाला लोरी लेके खड़ा होना चाहता है बेटा पानीपुरी वाला सर उसने दुकान वाले से पूछा साहब मैं बाहर खड़ा होके चाय बेच दूँ क्या आपकी दुकान के बाहर उसने बोला साहब हॉकर को दुकान वाले ने बोला क्या या गंदगी योगी सर पूरे दिन लोग आएंगे जाएंगे डिस्टर्बेंस होता है साहब उस हॉकर ने बोला मैं आपको महीने के दस हज़ार रुपये दूंगा दुकान वाले ने बोला डन दस हजार रुपए दे गया तो मैं ये सब सहन करने के लिए तैयार हूं तो उसने क्या किया बेटा ऑब्लिगेशन टू टॉलरेट एन सिचुएशन बेटा तो जो दस हजार रुपए चार्ज किए दुकान वाले ने इट इज ऑल्सो सप्लाई ऑफ सर्विस जीएसटी लगेगा बेटा ना भाई चलिए देन एग्री टू दी ऑब्लिगेशन टू डू एन एक्ट मान लो कोई फैक्ट्री है कोई इंडस्ट्री यूनिट है बेटा अब उसने सर जो पॉल्यूशन इक्विपमेंट लगा रखा है उसकी वजह से जो पॉल्यूशन जो होता है वो कंट्रोल में होता है विद इन द लिमिट होता है बेटा पर जो आसपास की सोसाइटी है बेटा उसने तो बोला नहीं हमको तो जीरो पोल्यूशन चाहिए इंडस्ट्री वेल्थ बोला भाई साहब यह पॉल्यूशन गवर्नमेंट की प्रिस्क्राइब लिमिट के अंदर है तो इससे ज्यादा कुछ नहीं हो पाया गया सोसाइटी ने बोला हम आपको साल के दस लाख रुपए देंगे जीरो कर दो तो दोनों को बोला डन उसने एक शानदार मशीन इंपोर्ट करी और वहां लगा दी और पॉल्यूशन जीरो हो गया बेटा उसको दस लाख रुपए मिल रहा साल के सोसाइटी से यस उसने एग्री किया टू डू एन एक्ट इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस और जीएसटी लग जाएगा बच्चों हा है ना भाई ठीक है ये तो एग्जाम्पल तो समझाया है कि इस सर्विस के स्कूप में क्या क्या आता है बेटा अब एक झगड़ा हुआ उसके लिए सर क्या बोला बेटा समझना ध्यान से बेटा मैं समझाता हूं आपको मान लो सुनना बात को ध्यान से मालिक आपने किसी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट लिया बेटा पर कोई किसी भी कॉन्ट्रैक्ट किया आपने उस कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स थी कि अगर आपने इस क्वालिटी का काम नहीं किया या इतने टाइम में काम नहीं किया या इस तरह से काम नहीं किया तो हम कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देंगे बेटा और आपने खास बात काम ढंग से नहीं किया सामला ने तोड़ दिया प्लस कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन थी क्या अगर ये काम ढंग से नहीं किया तो हम आपसे दस लाख रुपए का डैमेजेस मतलब पेनल्टी चार्ज चार्ज करेंगे चार्ज करेंगे फाइन साहब क्लियर अब सिंस आपसे वो काम ढंग से नहीं हो पाया कॉन्ट्रैक्ट टूट गया और उसने आपसे दस लाख रुपए चार्ज किए और आपको दस लाख रुपए देने पड़े बेटा अब क्वेश्चन ये आता है क्या कभी भी कोई फाइन पेनल्टी लिक्विड डैमेजेस वगैरह आप पे करते हो तो इज इट सप्लाई ऑफ सर्विस कि आपने ऑब्लिगेशन लिया है टू रिफ्रेंड फ्रॉम एन एक्ट टू टॉलरेट एन एक्टर एसोसिएशन सर तो इस सर्कुलर ने क्लेरिफाई किया कई टाइम से कई सालों से झगड़ा चल रहा था बेटा इस पर इस सर्कुलर ने क्लेरिफाई करके बोला क्या दिमाग खरा मत करना मंगल ये सप्लाई के इसके ऊपर नहीं आएगा क्योंकि सर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना क्या क्या हुई सप्लाई और सर्विस है और सर कॉन्ट्रैक्ट आपने तोड़ने की सर्विस दी उसके लिए आपको क्या फीस मिला है क्या क्या, liquidity damages? कोई फीस है? आंसर नो। no. तो केवल मनी रिसीव रिसीव हो हो रहा रहा है है। इसका मतलब ये नहीं कि फीस तो आपने मान लो कॉन्ट्रैक्ट लिया था मेरे से आपने कॉन्ट्रैक्ट से ढंग से परफॉर्म नहीं किया मैंने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया आपसे दस लाख रुपए फाइन लिया पेनल्टी लिया, लिया लिक्विडेड डेमेजेस चार्ज किया मैंने आपसे तो क्या आपने मेरे को कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने की सर्विस दी उसके मैंने फीस दी आपको क्या

तो गवर्नमेंट ने पेनल्टी चार्ज करी क्या फीस पे किया है नहीं नो no जीएसटी कोई बैंक में आपने चेक लगाया बेटा और चेक बाउंस हो गया सर बैंक ने क्या, क्या चेक बाउंसिंग चार्जेस आपसे रिकवरी की है। कोई जीएसटी चार्ज नहीं होगा बेटा नेक्स्ट सर कोई एम्प्लॉयर है उसने एम्प्लॉय जब अपॉइंट किया उसे बॉन्ड साइन करवाया कि तीन साल तक छोड़ के नहीं जाओगे तीन साल से पहले छोड़ के गए तो पचास लाख रुपए आपको पे करना पड़ेगा एज अ फाइन उस एम्प्लॉ ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया और पचास लाख रुपए उससे रिकवरी किया एम्प्लॉयर ने फिफ्टी लाख रुपीज सर अगेन क्या एम्प्लॉयर ने सर्विस दी है एम्प्लॉ को क्या उसके लिए पचास लाख रुपए आपने फीस दिया है आंसर इज नो इस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा और ऐसे केस में कोई जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है ये सप्लाई ही नहीं है दीज कैनोट एज कंसिडरेशन एंड नो जीएसटी विल बी चार्ज इन दिस केस बेटा विच ना भाई डन

वैल्यू सप्लाई का पार्ट बनेगा इसको अगर सर्विस पे जीएसटी लगता है तो लग बेटा नहीं आएगा बेटा सा जो सप्लाई आपने किया उसी वैल्यू का पार्ट बन जाएगा और अकॉर्डिंगली जीएसटी लगता है उस सर्विस पे तो लग जाएगा नहीं लगता होगा तो नहीं लगेगा बच्चा आइए बच्चों फिक्स्ड कैपेसिटी चार्जेस पावर बेटा आप देखना बेटा लाइट का जो बिल आता है बेटा उसमें एक तो फिक्स चार्ज होता है और एक वेरिएबल चार्ज होता है बेटा जितना यूनिट आपने कंज्यूम किया होगा वो हो गया वेरिएबल चार्ज उसके हिसाब से वेरिएबल चार्ज लग जाएगा और एक फिक्स चार्ज भी होता है बेटा तो फिक्स चार्ज आपने अगर मान लो पूरे महीने में लाइट यूज करी नहीं बेटा अंधेरे में सोए अंधेरे में रहे क्लियर पर सर इलेक्ट्रिसिटी कंपनी ने फिक्स चार्ज आपसे चार्ज किया डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने एक मिनिमम फिक्स चार्ज आपसे चार्ज किया तो ये भी क्या है ये भी तो सेल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ही है यार कोई पेनल्टी चार्ज करी आपसे क्या कोई इलेक्ट्रिसिटी कंपनी ने कोई टोलरेट किया आपको कि आपने लाइट कंज्यूम नहीं करी इसलिए फीस है बेटा ये नहीं तो इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सेल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ओनली और सेल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पे जीएसटी एक्जेंट है तो इस फिक्स चार्ज पे भी जीएसटी एक्जेंट रहेगा कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है ये टोलरेटिंग नॉन परफॉर्मेंस ऑफ एक्ट नहीं होता है बेटा आइए कैंसिलेशन चार्जेस बच्चा आपने फ्लाइट की टिकट बुक कराया बाद में कैंसिल करा दिया होटल का टिकट होटल में रूम बुक कराया बाद में कैंसिल करा दिया बेटा सर टूर ऑपरेटर से टूर बुक कराया बाद में कैंसिल करा दिया बेटा तो ये सब कैंसिलेशन चार्ज वैल्यू सप्लाई का पार्ट होता है बेटा इन सब पे जीएसटी लगेगा क्योंकि जब फ्लाइट की टिकट आपने बुक कराया तो वो सीट आपके लिए बुक कर दी गई बाद में आप कैंसिल कर देते हो बेटा जाते जाने से पहले तो एयरलाइन को तो नुकसान हो गया ना यार तो इसलिए उसने आपसे चार्जेस लिए ये सप्लाई सर्विस किसको मांगे क्योंकि उसने आपके लिए सीट बुक कर दी थी बेटा और वो कोई और पैसेंजर को बुक नहीं कर पाया सीट

कार इंश्योरेंस का प्रीमियम है मान लो सर वन लाख रुपये चलो कितना बेटा वन लाख रुपये आपने प्रीमियम पे कर दिया कार का इंश्योरेंस हो गया पूरा साल हो गया ऐसा कोई इवेंट नहीं हुआ जिसकी वजह से आपने इंश्योरेंस क्लेम लेना पड़ा बेटा अब अगले साल जब आप कार का इंश्योरेंस रिन्यू कराते हो तो मान लो नॉर्मल प्रीमियम था कितना नाइन्टी फाइव थाउजेंड कितना था बेटा 95,000 बेटा पर सिंस आपने प्रीवियस ईयर में जो इंश्योरेंस था उसमें से कोई क्लेम नहीं लिया तो पूरा एक लाख तो इंश्योरेंस कंपनी को फायदा हुआ ना यार आपने कोई क्लेम नहीं लिया तो इसलिए जनरली इंश्योरेंस कंपनी क्या करती बेटा नो क्लेम बोनस आपको पास ऑन करती है मान लो फाइव थाउजेंड इज द नो क्लेम बोनस बेटा तो नेट आपसे कितना लिया बेटा नाइन्टी थाउजेंड ही लिया है हाँ ना अब ऐसे केस में इस सर्कुलर ने पूछा है कि ये जो पांच हजार रुपए एक तरह से इंश्योरेंस कंपनी ने आपको पे किए हा है हाँ ना भाई भाई नाइनटी फाइव थाउजेंड ना आपसे लेना था क्लियर लिया कितना नब्बे हजार मतलब एक तरह से इंश्योरेंस कंपनी ने पांच हजार रुपए आपको दिया बेटा तो क्या ये माना जाएगा कि जो इंश्योरेंस जिसने कराया था उसने ये पांच हजार रुपए की सर्विसेज दी इंश्योरेंस कंपनी को फॉर नॉन क्लेमिंग द रिफंड नॉन क्लेमिंग द इंश्योरेंस क्लेम आप मुझे बताओ जो इंश्योर्ड पर्सन था उसने इंश्योरेंस क्लेम नहीं लेने के लिए इंश्योरेंस कराया था क्या क्या वो अंडर इन ऑब्लिकेशन था कि मैं आप मेरे को अगर पांच हजार रुपए दोगे तो मैं इंश्योरेंस क्लेम नहीं लूंगा अरे भाई उसने इंश्योरेंस क्लेम नहीं लेना होता तो वो इंश्योरेंस कराता ही क्यों बेटा हाँ ना क्लियर वन लाख रुपए भी क्यों पे करता बेटा वो इसलिए गवर्नमेंट ने यहां क्लेरिफाई करके बोला कि इट इज नॉट

उस प्रीमियम के डॉक्यूमेंट में क्लियरली लिखती कि ग्रॉस अमाउंट ऑफ़ प्रीमियम पर उसमें से पांच हजार no है अब बताइए सर जीएसटी कितने बच्चों तो सर इस सर्कुलर ने क्लेरिफाई करके बोला डिस्काउंट विच इज पासमर बाई नेम कोल्ड और अगर बिल पे आपने रिकॉर्ड किया है और कस्टमर को ऑन किया है तो नेट वैल्यू जो आपने कस्टमर से चार्ज करी है वही वैल्यू सप्लाई होता है एंड दिस विल बी ट्रीटेड एज इज़ द डिस्काउंट गिवन इंश्योरेंस कंपनी और पांच हजार रुपए को वैल्यू से एक्सक्लूड करेंगे और ऐसे केस में सरकार नेट नाइनटी थाउजेंड ही जीएसटी लगेगा बच्चों हाँ ना भाई क्योंकि कस्टमर एंड इज गिवन एट द टाइम ऑफ सप्लाई इटसेल्फ वो वैल्यू से एक्सक्लूड होगा और नेट अमाउंट पे जीएसटी लगेगा बच्चा हाँ है ना भाई तो कंक्लूजन क्या है बेटा नो क्लेम बोनस केस में पहली बात तो पांच हजार रुपए इंश्योरेंस कंपनी एक तरह से दे रही है किसको इंश्योर्ड पर्सन को फॉर नोट क्लेमिंग एनी क्लेम इज नॉट ऑफ सर्विस उस अलग उस पर अलग से कोई जीएसटी नहीं है बेटा सेकेंड थिंग जो नो क्लेम होने से वो क्या है एक तरह से डिस्काउंट है और नेट जो इंश्योरेंस प्रीमियम उन्होंने लिया है उसी पे पर लगेगा बच्चों हाँ है ना भाई इसी के साथ भारत माता की जय एंड सर इसी के साथ ये मेगा इंश्योरेंस का चैप्टर पूरा बड़ा चैप्टर खत्म होता है अब क्या लिखा पे देखे आप लिए, आपके लिए डोंट लिमिट योर चैलेंज चैलेंज लिमिट्स सर अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो सर यू मस्ट बी वेरी सिंसियर डिसिप्लिन सर अपने आप से चैलेंज लीजिए अपनी लिमिटेशन से चैलेंज लीजिए कि मेरे को इन हालातों में लड़ना है जीतना है आगे बढ़ना है और भारत माता की जय करनी है तो सरकार ऑल द बेस्ट लगा दीजिए अपना पूरा दम क्योंकि यही वक्त है आपको अपने आप को प्रूव करने का एंड सर पढ़ते रहिए मस्त होके पढ़िए खुश होके पढ़िए पूरी एनर्जी के साथ पढ़िए विच इज मोर इंपॉर्टेंट ऑल द बेस्ट का माहौल